उससे अनुराग भाई का तो छोड़ो, बिग बॉस का ज्यादा। सो हेलो एवरीवन, यार आप सभी को पता होगा यार ट्विटर पे एक न्यूज बोल रहा है, ट्रेंड कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे अनुराग भाई वो 17 के घर से अनफेयर मतलब यार बाहर आ चुके हैं। एंड भाई लिटरली जब मैंने न्यूज सुनी भाई, मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा आया बिग बॉस वालों पे। एंड यार मैं भी मतलब 60% कन्फर्म हूँ, एंड आज रात का शो देख के पता लगेगा यार मतलब वो गए हैं या फिर नहीं। एंड उस चीज पे हमारे एलविस भाई कुछ बताए हैं, एंड साथ में बोले हैं कि थोड़ा सा अनफेयर है। एंड वो क्या कुछ बोले आप देखिए यार, कि अनुराग भाई बिग बॉस से बाहर निकल गए। तो पहले तो एक बारी को तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, बट फिर क्योंकि एलिमिनेशन था, संडे था आज, इसलिए तो मुझे लगा मैंने कि वोट पब्लिक वोट के हिसाब से तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कुछ दूसरा सिस्टम ही करा होगा। मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि बिग बॉस वाले ना जानबूझ के निकालना चाह रहे हैं, मैंने ट्वीट भी करा था आज उसका, दोबारा शेयर भी करा मैंने अपना वोट करके। तो भाई देखो, उसमें जो मेरे को सुनने में आई कि मुनावर को, औरा को और ईशा को, इनको आर्काइव रूम में बुलाया गया और इनसे एक एक नाम मांगा गया कि जो जो आप निकालना चाहते हो जो भी, तो उनने अलग अलग नाम लिए, मुनावर ने अनुराग का नाम लिया। तो कन्विंस करा मुनावर ने, क्योंकि मिनिमम दो लोगों से नाम चाहिए था सेम, और उसने अनुराग का नाम लिया। उन दोनों ने अनुराग का नाम लेके अनुराग को बाहर करवा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को फैक्चुअली इनकरेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि यार जब मैं था बिग बॉस के अंदर तो सारी चीज़ फेयर थी, मतलब जो जो मैंने देखा कि ऐसे मुझे नहीं लगता था कि कोई पार्शियलिटी हो रही है और वोट्स में कोई गड़बड़ हो रही है ना, उनको उनकी टीम बहुत फेयर रही, मतलब मैं, बट वो वाला बिग बॉस दूसरे चैनल वाले कर रहे थे, ये कलर्स वाला बिग बॉस है, तो इसमें मुझे आइडिया नहीं कि वो उनका क्या माइंडसेट रहता, क्या गेम प्ले रहता, आई डोंट नो। बट जो भी एविक्शन हुआ है भाई, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उससे अनुराग भाई का तो छोड़ो, बिग बॉस का ज़्यादा नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो भी भाई की तरफ से थी, लोग देखते थे अनुराग को, देखना चाहते थे कि भाई हम अनुराग भाई हैं अंदर इसलिए देखें, तो वो वाली ऑडियंस कट गई, जो बिल्कुल ही कट्टरी वो थे फैंस बिल्कुल, कि भाई अनुराग भाई है तो बिग बॉस देखेंगे, वो उन्होंने काट दी। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था, बट मेरे को शुरू से इंटेंशन थी ऐसी, इंट्यूशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब पिछली बार ईशा को बुलाया था उसके लिए कि सबसे ज़्यादा रूल्स किसने तोड़े, तो इनके मन में ये था कि अनुराग को तो हमें निकालना ही है। एक सेकंड, मैं अभी लो भाई ये लगा रखा मैंने, अनुराग को हमें निकालना ही है, पर वो देखो आज सही भी हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। अनुराग भाई को अभी बाहर आने दो ढंग से, तो मैं उनसे पूछूंगा, बट मेरे पास जो खबर आई ये कि अनुराग भाई हो गए एविक्ट। बहुत ही गलत बात भाई, बहुत ही गलत बात। अभी मीटअप्स वगैरह भी होने वाले थे, बाइक राइड वगैरह मेरे पे भी आई थी कटारे के थ्रू, कि ऐसे ऐसे भाई मीटअप, मैंने कि बिल्कुल भाई जहाँ पे हमारा योगदान हो पाएगा वहाँ पे अपना योगदान देंगे, क्योंकि अनुराग भाई ने भी फुल सपोर्ट करा था, हम भी जितना हो पाएगा उतना सपोर्ट करेंगे। बट अब ये उल्टी चीज़ हो गई। तो देखो, अगर अनफेयर ही रखना था तो भाई देखो मुझे तो सही लगा नहीं अनफेयर गेम प्ले, ये रियलिटी शो है, रियलिटी वोट्स पे ही निकालना चाहिए। घर वालों की मर्जी से निकालने लगे तो फिर अपने हिसाब से इन्होंने विनर चूज़ कर रखा, अपने हिसाब से इन्होंने वो कंटेस्टेंट चूज़ कर रखे हैं कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकेंड आएगा, तो ये काफ़ी अनफेयर हो गया, मुझे पसंद नहीं आया जो भी था। एंड गाइस, अगर मैं आपको यार अपने बताऊं, अगर अनुराग भाई मतलब यार आज के दिन रात के टाइम शो में बाहर आ गए तो भाई मैं लिटरली यार कभी भी बिग बॉस नहीं देखूंगा यार। मैं थोड़ा बहुत अनुराग भाई की वजह से देख रहा था, जो थोड़ा मोटा सीन होता था एंड कभी ऐसे यार रात वगैरह में, पर भाई लिटरली यार मेरा बिग बॉस वालों से यार भाई पूरा ही मन हट चुका है। अब तुम्हारा भाई बिल्कुल भी बिग बॉस नहीं देखेगा गाइस। तो चले गाइस आज के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना। एंड आपकी मर्जी यार, आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।